नमः शिवाय श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे अपने YouTube चैनल पे आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 11 जुलाई दिन बुधवार से सावन मास आरंभ होने जा रहा है, जो भगवान शिव को अति प्रिय है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सावन के महीने में लोग द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। बहुत से लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, कांवड़ लेकर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं और बहुत से लोग अपने घर पे ही, अपने घर के मंदिर में ही भगवान शिव का पूजन करके अनुग्रहित होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसी सरल विधि बताऊंगा जिसका अनुसरण करके आप भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसी विधि के माध्यम से मैंने प्रभु की कृपा प्राप्त की थी, उनका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ था। ये सत्य है दोस्तों, ये मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 100% सत्य है। और प्रभु हमेशा कई बार मेरे जीवन में चमत्कार भी कर चुके हैं, कई बार मेरी रक्षा भी कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस विधि को यदि अपनाएंगे तो अवश्य भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। और आप सब ये मत सोचिएगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे तो सिर्फ नहीं, जो कुछ भी मैं कहूँगा सत्य कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। दोस्तों, इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा। और आपसे एक छोटा सा निवेदन भी करूँगा, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को, भगवान शिव शंभु को मानता है, वो उनकी पूजा बिना सावन में किए नहीं रह सकता। बहुत लोग व्रत भी रखते हैं। दोस्तों, आपको करना क्या है? कुछ नहीं, सरल विधि जो बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ 25 मिनट या आधे घंटे के अंदर में पूरी हो जाएगी। आपको करना क्या है? रविवार के दिन 11, 21, 51, 108 या 1008 जितना बिल्वपत्र उपलब्ध हो सके तोड़ करके, गिन करके, धो करके, ढक करके रख दीजिए। सुबह प्रातः उठिए, जब भी आप उठते हैं, जब भी भगवान हर समय हर काल में व्याप्त हैं, सच्चे हृदय से जिस समय ही इनकी पूजा की जाएगी उसी समय, उसी वही क्षण वो अपनी कृपा प्राप्त अवश्य कराएंगे। तो दोस्तों, एक रुद्राक्ष की माला ले लीजिए और 11 या 21 बिल्वपत्र तोड़ लीजिए और गंगा जल या कोई साफ जल रख लीजिए और धूप दीप हो सके तो भी रख लीजिए और पुष्प में कनेर का पुष्प, सफ़ेद मंदार मिल जाए, सफ़ेद मंदार का पुष्प चढ़ाने से, धतूर का पुष्प चढ़ाने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और निसंतान व्यक्तियों को संतान की भी प्राप्ति होती है भगवान शिव की कृपा से। तो दोस्तों, पुष्प चढ़ा के साथ में पंचोपचार विधि से पूजन करके उनका और रुद्राक्ष की माला से 1008 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का नित्य प्रति जप करना है पूरे सावन भर, यानी 11 माला। ये आपका 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। मैं तो 10 मिनट 12 मिनट में ही कर लेता हूँ दोस्तों, ये आप पर निर्भर करता है। और दूसरी विधि क्या है कि रविवार के दिन ही 1008 बेलपत्र तोड़ करके, धो करके, गिन करके, रख ढक के रख दीजिए और सोमवार के दिन एक एक बेलपत्र चढ़ा करके ओम नमः शिवाय बोलते जाइए जब तक कि 1008 बेलपत्र आपका समाप्त ना हो जाए। और उसके पश्चात भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको यही बताऊंगा सच्चे हृदय से प्रार्थना कैसे की जाती है। तो शास्त्र में लिखा हुआ है कि राम राम सब कहें दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहें जन्म कोटि फल होय। इसका मतलब है कि यदि आप दिन भर राम राम कहिए, भगवान शिव का नाम जपिए और
यदि सच्चे हृदय से नहीं जपा तो वो व्यर्थ ही है। इसलिए दस रथ का मतलब होता है दस इंद्रियों को बस में करके सच्चे हृदय से यदि एक बार श्री राम या ओम नमः शिवाय श्री गुरुवे नमः का भी स्मरण कर लिया तो समझ लीजिए वो जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होगा जो भगवान को आपने याद किया। तो दोस्तों, इस विधि के द्वारा आप जो है भगवान भोलेनाथ की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और आपसे एक निवेदन करता हूँ, यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको बताना चाहता हूँ कि बिल्व पत्र कभी भी सोमवार, पूर्णिमा, चतुर्दशी तिथि, एकादशी को, अमावस्या को तोड़ना वर्जित है। इसलिए कोशिश करें इन दिनों से बचें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय श्री गुरुवे।